बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार नफे सिंह राठी का चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। नफे सिंह राठी विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर नुक्कड़ सभाएं करके लोगों से मुखातिब हो रहे हैं और उनसे अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार नफे सिंह राठी का चुनाव प्रचार पूरा जोर पकड़ चुका है। नफे सिंह राठी क्षेत्र में अलग अलग जगह नुक्कड़ सभाएं कर लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, जिसके चलते नफे सिंह राठी ने सोमवार को शहर की ट्रक टेम्पो और ट्रेलर यूनियनों समेत दर्जनों जगह का दौरा कर लोगों से वोट की अपील की है। इस दौरान यूनियन के सदस्यों ने नफे सिंह राठी को बताया कि बहादुरगढ़ में पहले 18,000 से ज्यादा गाड़ियां थी, 50,000 से ज्यादा परिवार अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन बीजेपी राज में गाड़ियां घटकर महज 9,000 रह गई है। नफे सिंह राठी ने कहा कि बीजेपी विधायक नरेश कौशिक ने फैक्ट्री मालिकों से पैसे खाकर ट्रक ऑपरेटर और यूनियनों को खत्म करने का काम किया है। बहादुरगढ़ में बाहर के लोग आकर सामान भर रहे हैं। नफे सिंह ने कहा कि अगर वो विधायक बनते हैं तो बहादुरगढ़ की किसी भी फैक्ट्री से बाहर की कोई भी गाड़ी सामान नहीं भर पाएगी। नफे सिंह ने कहा कि बहादुरगढ़ यूनियन की ही गाड़ियों से फैक्ट्रियों का सामान ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी विधायक पर जात पात को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि नरेश कौशिक ऐसा विधायक है जिसने जाति देखकर लोगों के साथ जमकर भेदभाव किया है, जिसे बहादुरगढ़ की जनता कभी नहीं भूलेगी और न ही उन्हें कभी माफ करेगी। सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। वैसे तो अगर कार्ड के मुताबिक देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में 300% बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन हरियाणा में 450% बढ़ी है, आंकड़ों के अनुसार बता रहे हो। और बहादुरगढ़ में 800% बढ़ी है। कारण हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा थे, इस सरकार ने उजाड़ करके रख दिया उनको। हमारे टाइम पर 17-18 हज़ार के बीच में ट्रक और टेम्पू आया करते और सारा का सारा माल यूनियन के थ्रू भरया करता फैक्ट्रियों से। हमारे टाइम पे एक भी गाड़ी यूनियन के बाहर की नहीं चली, लेकिन अब 95% गाड़ियाँ यूनियन के बाहर की भरवाई जाती हैं। एक बात, दूसरी बात, अगर 10-5% गाड़ी जरूरत पड़े फैक्ट्री वालों ने तो 10-5% गाड़ी यूनियन की मंगवाते हैं, जब वहाँ से नहीं मिलती, बाहर से नहीं मिलती तब मंगवाते हैं। दगड़ का पहला एमएलए है जो जाति देख करके काम करता है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। हमने 38 सालों की राजनीति करते, कभी गोतनाथ जात बरादरी की राजनीति नहीं करी। बता दें कि नुक्कड़ सभाओं में नफे सिंह को लोगों का भारी जन समर्थन मिल रहा है। वहीं जन समर्थन से उत्साहित नफे सिंह राठी का कहना है कि उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, पहला नंबर तो उनका ही है और जनता 24 तारीख को ये साबित कर देगी। बहादुरगढ़ से योगेंद्र सैनी की रिपोर्ट।